यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा जो क्लास है वो पूरी तरह से फोकस किया गया है सर्कुलर मोशन पर, और उस सर्कुलर मोशंस पर भी मेरा आज का जो क्वेश्चंस का बेसिक्स रहेगा वो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस, जिसमें फोर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, मतलब डायनेमिक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आज का मेरा टॉपिक हो गया। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म में क्या अंतर हो सकता है। हालांकि मैंने इसका एक पूरा डिटेल वीडियो पिछले क्लासों में लगा चुका हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आता हूँ। दिस इज द सेंटर ऑफ ए सर्किट एंड लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल इज मूविंग विद ए वी वेलोसिटी। दिस इफ द मैग्नीट्यूड और सो कॉल्ड स्पीड इज कॉन्स्टेंट, दैट इज इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेलोसिटी और स्पीड इज कॉन्स्टेंट बट इट्स डायरेक्शन ऑलवेज चेंजेज। आप यहाँ पर भी देखिएगा, दिस इज द वी, आप देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली चेंजेज बट द मैग्नीट्यूड स्टिल रिमेन सेम। आप हमेशा हर पॉइंट पर इसका देख सकते हैं सेम हो रहा है। तो इफ देयर इज ए चेंज इन ए डायरेक्शन देयर मस्ट बी ए फोर्स एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यही सेंट्रीपिटल फोर्स आपको एक कॉज करता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के लिए विच ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर। तो अगर ये सेंटर ओ है तो एक एक्सीलरेशन लगेगे, एंड सिंस द स्पीड इज कॉन्स्टेंट देर इज ए नो चेंज इन द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, सो देर इज ए नो एक्सीलरेशन इन दिस डायरेक्शन। अंडर दैट सर्कमस्टांसिस ए सी इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये मैं इसका कंडीशन ले सकता हूँ। इससे क्या आपके पास आ जाएगा, ए सी डॉट वेलोसिटी इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री। किसके किसके बीच में 90 डिग्री होगा, एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल और वेलोसिटी। दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां पर आपकी ये थोड़ा सा रिविजन ही कह लीजिए, चूंकि पिछले वीडियो में तो मैंने पूरा बता दिया। नाउ व्हाट इज द एसी, मैंने ये भी डिराइव कर दिया था कि दिस इज द वी स्क्वायर बाई आर, सो व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन इफ एम इज द मास। अगर मैं मास मान लू इसे तो ये आपके पास सेंट्रीपिटल। दिस इज ऑल अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, करेक्ट हो गया। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बना के देख लीजिए, मैं आपको बहुत सिंपल न्यूमेरिकल देता हूं। ए स्टोन इज व्हील्ड बाय ए स्ट्रिंग विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इफ एल इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन, फाइन टेंशन, ये आपसे पूछा, फाइन टेंशन इन स्ट्रिंग। आपके पास क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये पत्थर को बांध के सपोज कीजिए ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसे आई एम टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल दिशा। अब इस बाहर की ओर एक फोर्स लगेगा, आप ये समझ रहे होंगे, एम ओमेगा स्क्वायर। अब चूंकि इसकी लेंथ एल है, रेडियस को हम लोग एल के ट्रीट करें, तो इसके पास एम ओमेगा, सो टेंशन कितना लगेगा ड्यू टू द इक्विलिब्रियम कंडीशन, टेंशन मस्ट बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल एंड दैट इज योर आंसर। किस प्लेन पर ये रोटेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ये, एंड दिस इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी। अब मेरा फोकस है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहला इसकी कंडीशन जान लीजिए, किस तरह के हो सकते हैं। You see this is to be a circle and a particle is moving on this circular path. Let us suppose P is the particle whose velocity, now this velocity is not a constant, in other word speed is variable. अब स्पीड वेरिएबल हो सकता है तो दो तरह के हो सकते हैं, इंक्रीजिंग स्पीड भी हो सकता है और डिक्रीजिंग स्पीड भी।
लेकिन दोनों ही कंडीशन में वेरी तो कर रहे हैं। अब इसके कारण क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर का वेलोसिटी को वी वन मान लें और यहाँ पर के वेलोसिटी को अगर वी टू मान लें, वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी से है, इफ वी टू मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन वी वन मैग्नीट्यूड, और यहाँ से यहाँ तक इसको आने में मान लीजिए डेल्टा टी टाइम लगा, तो वॉट इज द चेंज इन स्पीड, दिस इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन। और इसमें ये दोनों को ध्यान रखना है कि दिस इज नॉट ए वेक्टर, ये से एकदम चेंज इन स्पीड है, मतलब दिस इज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एंड दिस इज नेवर इक्वल टू जीरो, ये हमेशा आपके पास आएगा। तो इस केस में आपके पास क्या आ रहा है, नेवर इक्वल टू जीरो, ये कौन सा केस, मैं पहला केस मान लूँ कि लेट अस सपोज इट इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस दिशा में भी, जिस दिशा की मैं चर्चा कर रहा हूँ, इस दिशा में आपके पास एक एक्सीलरेशन आ गया, इस एक्सीलरेशन का नाम हो जाएगा ए टेंजेंशियल, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा डी वी बाई डी टी, और अगर डिफरेंशियल फॉर्म में कहें रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नॉट वेलोसिटी। यहाँ पर आप देखिए मैंने इसका स्पीड दे रखा, यहाँ पर भी देखिए मैंने स्पीड दे रखा, तो ए टेंजेंशियल एक काम करता है इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंज, और दूसरा आपके पास डायरेक्शन के कारण ए सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। अब आपके पास ये किस केस के लिए हो गया, व्हेन वी टू इज ए ग्रेटर देन वी वन, तो यहाँ पर आपका ए टी का डायरेक्शन हो गया और ये ए सी का डायरेक्शन, और वॉट इज द एंगल बिटवीन देम, इट इज ए 90 डिग्री। सो इन ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देर आर टू एक्सीलरेशन ए सी टूवर्ड सेंटर एंड इट्स वैल्यू विल बी वी स्क्वायर बाई आर, वेयर वी इज द वेलोसिटी, एंड देयर मस्ट बी अनदर एक्सीलरेशन ए टी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, दिस इज इक्वल टू अलोंग द डायरेक्शन, ये हो गया अलोंग टेंजेंट, किस डायरेक्शन में लगेगा अलोंग टेंजेंट, ये आप टेंजेंट देख सकते हैं, अलोंग वेलोसिटी लाइन। अब इस दोनों के कारण व्हाट इज द ए नेट कितना हो जाएगा या ए रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर। ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर आर का होल स्क्वायर एंड ए टी इक्वल टू डी वी बाई डी टी होल स्क्वायर अंडर रूट, ये दो एक्सीलेशन होता है। मतलब अगर इस फिगर में कहें कि आप जरा हमें डायरेक्शन को शो कीजिए, तो दिस इज द ए रिजल्टेंट डायरेक्शन। अब ये मान लीजिए अल्फा एंगल बना लेता है, तो ये आप देख सकते हैं ए टी है और ये ए सी है, सो वॉट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट टेन अल्फा ए टी बाई ए सी इफ अल्फा इज फ्रॉम ए सी साइड, सो वॉट इज द अल्फा, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए टी बाई ए सी, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में देर आर टू डिफरेंट एक्सीलरेशंस एंड बोथ द एक्सीलरेशंस आर लाइंग ऑन द प्लेन। यहाँ पर एक कंडीशन और भी देखिएगा, बोथ ए सी एंड ए टी लाई ऑन प्लेन ऑफ द सर्कल, यहां पर देखिए, ठीक है। अब इसके कारण हो सकता है व्हाट इज द फोर्स, कौन सा फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, कितना हो जाएगा एम इंटू ए टी रेदर एम डी वी बाई डी टी, दिस इज द एम टेंजेंशियल। अगर मैं बात करूं एफ सेंट्रीपिटल कितना लगेगा, एम दिस इज वी स्क्वायर बाई आर, दिस इज टू, और अगर मैं बात करूं व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, एम दोनों साइड बाहर आ जाएगा एंड दिस इज वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी का स्क्वायर आ जाएगा, दिस इज द नेट फोर्स ऑन पार्टिकल, ये पार्टिकल पर नेट फोर्स लगेगा और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा, दिस इज द एफ नेट। नेक्स्ट, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा आपको और डिटेल ध्यान दिखाना चाहेंगे कि देयर इज अनदर टाइप ऑफ एक्सीलरेशन, व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन, चलिए मैं उसके ऊपर फोकस करता हूँ। इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जरा सही से भी एक बार फोकस कीजिए कि इफ द स्पीड इज डिक्रीजिंग, दैट इज वी टू इज लेस देन वी वन, बाद वाला वेलोसिटी जो वी टू है, अगर मैं कहूँ कि लेस देन वी वन है, दिस इज ए वी वन, तो इसका मतलब है टेंजेंशियल फोर्स किस साइड लग रहा होगा, इस साइड लग रहा होगा,
एफ टी, और उसके कारण एक्सीलरेशन भी किधर लगेगा, रेदर डिसीलरेशन किधर होगा, इस साइड, एंड दिस इज ए सी. सो वॉट इज द रिजल्टेंट, आप देख सकते हैं दिस इज द एफ रिजल्टेंट या एफ नेट, आपकी चेंज कर गया. वॉट इज द एंगल, आपका यहाँ पर देखिएगा ये वाला एंगल आपके पास आ जाएगा, किसके किसके बीच में, भी और नेट के बीच में आ जाता है. इसका मतलब इसको स्पीड कम करने की कोशिश करता है, बाकी एनालिसिस सेम है. अब मेरे पास एक और टॉपिक आता है, एंगुलर एक्सीलरेशन. ये सब चीज़ मैं आपसे डील कर चुका हूँ, एक बार यूँ कह लीजिए कि इसकी रिहर्सल ही हो गया एंगुलर. मैं इसको यूँ करके समझाता हूँ, उसी सर्किल को ऐसे दिखा रहा हूँ. लेट अस सपोज दिस इज अ पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ एज इट इज, मैंने इसे भी दे रखा है. एंड सपोज इफ इट इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड, अगर कॉन्स्टेंट स्पीड से है तो देर इज ए वन एक्सीलरेशन, विच वन, दिस इज ए टी. और अगर मैं आपसे कहूँ कि इट मूव्स विद ए चेंजिंग स्पीड, तो आपके पास एक और आ जाएगा डी वी बाई डी टी, और दिस इज ए टेंजेंशियल. बट ये दोनों को मैंने लिखा था इसके पहले वाले कमेंट्स में कि बोथ लाई ऑन द सेम प्लेन. ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस एक्सिस, दिस इज एक्सिस. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन, एक वर्ड आता है व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन, दिस इज सिंबॉलिकली अल्फा. इसको जानने के लिए आपके पास पहले ये आ जाइए कि देर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन वी टेंजेंशियल एंड रेडियस एंड एंगुलर वेलोसिटी. व्हाट इज दिस ओमेगा आर, ये हम लोग पहले से जानते हैं. ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी. अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं डी वी बाई डी टी, आर कॉन्स्टेंट है वो डिफ्रेंशिएशन नहीं पार्ट लेगा, एंड दिस इज डी ओमेगा, दिस इज द ए टी आर एंड अल्फा. ए टेंजेंशियल अल्फा क्या हो गया, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन. एंड व्हाट अबाउट इट्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, आपको ये देखना पड़ेगा इसकी डायरेक्शंस में आपका क्या डायरेक्शंस हो सकता है. तो आप ध्यान से दीजिए, अगर आपका इसका स्पीड बढ़ रहा है ना, तो ये देखिए डायरेक्शन मैं जैसे बता रहा हूँ इस डिस्क पर, आपका अगर क्लॉक वाइज मूव कर रहे हैं, यहाँ से एक बार ऐसे करके देखिए, आपकी अगर क्लॉकवाइज की मूवमेंट है और वेलोसिटी वी टू इज ए ग्रेटर देन वी वन, मतलब बाद का वेलोसिटी बढ़ रहा है और क्लॉकवाइज में है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, दिस इज द अल्फा डायरेक्शन. मतलब कर्ल कीजिए उसको, आप देखिए कर्ल करने की दिशा, हम इसे एंटी क्लॉकवाइज में कर रहे हैं, मेरा राइट स्ट्रेच थंब जो हो जाएगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन. इस केस में एंगुलर एक्सीलरेशन आप हमेशा देख सकते हैं perpendicular to AT, and this is again perpendicular to, angular acceleration is again perpendicular to a centripetal. So that is the important point. What is the direction of angular acceleration? Angular acceleration direction is always perpendicular to tangential and always perpendicular to centripetal. Why it is so? Because both centripetal as well as a tangential lie on the plane of the circle, but acceleration, angular acceleration is always perpendicular to the plane of a circle, and therefore they are perpendicular to each other. Now there is a point, if velocity decreasing is in this way, suppose if I say V2 is a less than V1 in terms of a magnitude, what will happen? The accelerations will act opposite to this, so in that case is alpha will act downward with a negative sign, because it acts downward, so this time its speed is to be reduced. So reduce करने के लिए आपका directions किधर तक जाता हुआ, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा और thumb आपका नीचे की ओर जाएगा, एंड इन दिस केस अगेन अल्फा इज ए परपेंडिकुलर बोथ द ATMS. यस, देयर इज ए क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम SC वर्मा बुक बिकॉज इट इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. कहता है इफ ए रूलर ऑफ लेंथ L, ये आप देख सकते हैं दिस इज ए रूलर, मतलब एक स्केल है, ऑफ लेंथ L इज रोटेटेड विद अ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. इसको कहता है कि एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रूलर को इस तरह से नचा रहे होंगे हम लोग, विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट इट्स वन एंड, इस कॉर्नर पर नचा रहे होते हैं. फाइंड ओमेगा, इसी ओमेगा को कहता है सो दैट ए मास केप्ट ऑन द अदर एंड, यहां पर एक दूसरा मास है केप्ट ऑन द अदर एंड, दिस इज द मास ऑफ ए ब्लॉक, रिमेन एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द रूल, इस रूल के रिस्पेक्ट में रेस्ट भी या इक्विलिब्रियम में रहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम में, अज्यूम म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रूल एंड द ब्लॉक. वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस,
as it starts rotating, the block itself kept on a ruler itself start rotating. Under that circumstances, there is a centrifugal outward force, and this is the force m omega square r. R is the length here. Now what will happen? Since the surface is a rough, there will be an immediate frictional force acting this way. And as it reaches to the limiting value, because mu is the large amount of value, so limiting case is to be reached. And what is this F limiting? Hum jante hain, F limiting is equal to mu into n. Mu, what is the n? M into g. So this is the n value, and this n is nothing but mg. This is the gravity force. Under that circumstances, what will happen? Mu mg must be equal to m omega square l. M omega square l, this is the condition. Mass is independent, getting cancelled. What is your omega? Mu g by l and under root, and this is your answer. So, ye bahut aasani se problem solve hai. Now the second part of the question is a more important. Ye first part jo aapse pucha gaya tha, this is uniform circular motion hai. Yahan par aapka kaun sa concept hua? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. क्यों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है आप एक सेकंड में पहचान लीजिएगा. कहीं ना कहीं इसकी चर्चा जरूर होगी कि द एंगुलर वेलोसिटी या लीनियर स्पीड इज ए कांस्टेंट, बट हियर इट इज कांस्टेंट. आप देख सकते हैं इसमें क्या कहता है. वन इज फाइंड इट इज मूव्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. आप देखिए यहाँ पर चर्चा स्पष्ट रूप से किया, इसका मतलब है ये हिंट कर दिया कि दिस इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड देर इज ओनली वन centripetal force will be acting, and there will be a only one tangential force will be zero, and centripetal force will act, and so the centripetal acceleration. Next part of the question. अब आपसे दूसरा पार्ट में मैं आ गया. कहता है फर्स्ट पार्ट का ओवर होने के बाद सेकेंड पार्ट में कहता है, नाउ इफ ओमेगा इज इंक्रीज, किसका? रूलर का है. कौन से रूलर? जो हमने पहले दे रखा था, ये जो हमारे पास एक रूल है, इसको रोटेट कर रहे थे हम लोग एंगुलर वेलोसिटीज. बट दिस इज नॉट ए कांस्टेंट, इट इंक्रीजेज फ्रॉम ओमेगा विद एन एंगुलर एक्सीलेशन अल्फा. मतलब कहाँ से बढ़ता है? जीरो टू ओमेगा विद एन एंगुलर एक्सीलेशन अल्फा. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अभी भी वही है, लेंथ अभी भी वही है, नो चेंज, मास अभी भी वही है, सब कुछ वही है. केवल कहता है कि इफ इट इज द एंगुलर स्पीड इज नॉट कॉन्स्टेंट, रेदर इट इज इंक्रीजेज फ्रॉम जीरो टू ओमेगा विद एंगुलर एक्सीलेशन अल्फा. Then what is the minimum value of omega when it is about to slip? Which one is likely to slip? Mass kept on the, that is the small mass kept on the end of the rule. चलिए इसके पास आते हैं. सबसे पहले आप कैसे समझिएगा कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. आप देखिए ओमेगा इज इंक्रीज, क्या दे दिया यहाँ पर, मतलब इट इज ए नॉट कॉन्स्टेंट. और दूसरे बार भी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि देर इज ए एंगुलर एक्सीलेशन, देर फोर इट इज ए नेवर कॉन्स्टेंट. Under that circumstances, there will be two different accelerations will be acting. वो कौन कौन सा आ जाएगा? अब तो आप समझ रहे हैं कौन कौन सा आ जाएगा. There will be a tangential acceleration and there will be a centripetal acceleration. दोनों आ जाएगा. Now what is a t? हम लोग a t को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू एल. ये आराम से लिख सकते हैं. और ए सी कितना होता है? हमारे पास तो ये दिया ही हुआ है, वी स्क्वायर बाई एल ले सकते हैं. अब हमको इसको टारगेट करते हुए मूव करना है. वी स्क्वायर का वैल्यू आप जानते हैं ओमेगा इंटू एल हो सकता है. व्हाट इज ए वी? दिस इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एल. एल से एल कटेगा तो अब आपके पास क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर एल. सो अब ये फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स का रिजल्टेंट किधर चला जाएगा? एक्सीलरेशन इस साइड हो जाएगा, ए रिजल्टेंट. और रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू किधर हो जाएगा? इस साइड फोर्स हो जाएगा. एंड सो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स? अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स? दिस इज सिंपल, जो मैंने पहले भी थ्योरी में दिया था, एम ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ये रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एम ए सी स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी है, ओमेगा स्क्वायर एल का कंप्लीट सेट का स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी है, अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर. अगर इसको हम लोग एक बार में लिखे, अल्फा एल का स्क्वायर कर दिया. आप देख सकते हैं एटी का वैल्यू अल्फा एल है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये अल्फा एल कैसे आता है? भाई मैंने तो आपको बताया ना, एटी इक्वल टू अल्फा इंटू आर होता है. अब आर के जगह पर एल है, इसलिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ गया. नाउ दिस इज द फोर्स. अब क्या होगा बच्चे लोग?
ये फोर्स इधर लग रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और आउटवर्ड फोर्स किस साइड लगेगा, आपका बाहर की ओर लगेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, अंदर बचाने की कोशिश करेगा। सो व्हाट इज द फ्रिक्शनल लिमिटिंग केस, दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू एम। तो दिस मच ऑफ ए फोर्स मस्ट बी आइदर लेस देन और इक्वल टू म्यू इनटू एम। क्या ये बात समझ में आ गया? फिर से देखिए, ये फोर्स क्या करेगा, इसको बाहर की ओर फेंकेगा। कितना से फेंकेगा, ये वाला हो गया, ये किस साइड हो गया, आउटवर्ड सेंट्रीप्यूटल फोर्स है, आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब अगर इसको बाहर की ओर जाएगा तो बचाने के लिए क्या करेगा, एफ लिमिटिंग इधर एक्ट करेगा और दोनों को इक्वेट कर देंगे तो मेरा बैलेंस केस आ जाएगा। मतलब जो बचाने वाला फोर्स है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए जो आउटवर्ड फोर्स है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस सिंबल। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एम दिस कैन सी ओमेगा पावर फोर हो जाएगा ना यहाँ पर, और ये एल स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज ए अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर। यहाँ पर आप फोर हो सकता है एल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर। अब अगर इक्वल टू के टर्म पर बात करें तो मिनिमम को छोड़ देते हैं, इक्वल टू पर आ जाते हैं, और एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम देख सकते हैं ग्रेविटी फोर्स कितना के बराबर हो जाता है, यहाँ पर एन इक्वल टू ग्रेविटी फोर्स के बराबर, इसलिए इसकी वैल्यू को एम से एम तो आपकी कैंसिल हो गया, एम से एम दोनों कैंसिल हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो आपके पास ये क्या बचेगा, ओमेगा फोर एल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, दिस इज ए म्यू स्क्वायर एन जी स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है। आप कैसे ओमेगा को टारगेट कीजिएगा, ओमेगा फोर एल स्क्वायर उधर आप चले जाइए, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर, इसलिए व्हाट इज द ओमेगा, आपके पास आ जाएगा म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, और ये पूरे के फॉर्मेट पर क्या आ जाएगा, वन बाई फोर आ जाएगा। यहाँ क्या देता है, एच सी वर्मा से भी ये क्वेश्चन उठाया गया बुक से, क्या कहता है क्वेश्चन की, इसकी जरा इंपॉर्टेंस को देखिए। कहता है कार गोज ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस आर, ठीक है, द स्पीड, यहाँ पर आप आ जाइए इसके बारे में, ये एक रोड होगा, उस रोड पर ये हमने कार को एक पॉइंट के समान शो किया, इस रोड पर ये आर जो इसकी रेडियस है वो सेंटर है, इस पर ये मूव करता हुआ होगा। यहाँ पर क्या कहता है, द स्पीड इज इंक्रीजिंग, इसी बात से आपको खास ध्यान देना है, द स्पीड इज इंक्रीजिंग, ये कौन सा मोशन हो गया, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, चूंकि स्पीड इंक्रीज कर रहा है ना, मतलब चेंज कर रहा है, तो दिस इज द स्पीड, और कह रहा है कि ये स्पीड लगातार चेंज कर रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म हो गया, एट ए कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन डीवी बाई डीटी दैट इज ए। तो इस तरफ पे इसका कौन सा एक्सीलरेशन है, ए टेंजेंशियल के बारे में ए, और इसके बारे में क्या दे रखा है, डी वी बाई डी टी, मतलब आपका कहीं ना कहीं ए टेंजेंशियल इक्वल टू ए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि देयर मस्ट बी एन एक्सीलरेशन ए सी, सो वॉट इज द ए रिजल्टेंट या ए नेट कितना हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म में, ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर अंडर रूट। ये तो आपको समझ में ही आता होगा, ये तो एक कॉमन बात है। वॉट इज ए सी, लेट अस सपोज एट एनी टाइम इट्स स्पीड इज वी, तो वह कौन सा स्पीड हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई रेडियस आर है, उसका पूरे का होल स्क्वायर है, चूंकि ए सी का स्क्वायर है। वॉट इज ए टी, ए टी के जगह पर खुद दिया हुआ है ए स्क्वायर एन अंडर रूट। सो वॉट इज दिस ए नेट या ए रिजल्टेंट, ये किस ओर काम करेगा, इस ओर काम करेगा, दिस इज द ए टी, ठीक आ गया। इसलिए फोर्स कितना लगेगा, वॉट इज द फोर्स किधर, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसका प्रभाव क्या रहेगा, ये आउटवर्ड फोर्स कहलाएगा। ये फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल से लेंगे तो दिस इज द एफ सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड फोर्स, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मास से मल्टीप्लाई कीजिएगा एम, दिस इज द वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी था, एफ लिमिटिंग इस साइड से लगेगा, तो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ लिमिटिंग। इसका मतलब क्या हो गया, एम अंडर रूट वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस एक्सीलरेशन, इक्वलिटी में आप आ जाइए तो दिस इज ए म्यू इंटू एन, एन इक्वल टू एम जी, मास से मास कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बच गया, अगर आप स्क्वायर कर दीजिए इसका तो वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट का वैनिश कर जाएगा, उधर हो जाएगा म्यू स्क्वायर एन जी स्क्वायर हो जाएगा। आपका निकालना है वी, तो वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर उस साइड करेंगे तो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा।
अब भी आपको क्या निकालना है, वी, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, वी फोर हो जाएगा, उस साइड आर स्क्वायर हो जाएगा और ये म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द वी फोर, वॉट इज द वी, अब आपके सामने आ जाएगा आर स्क्वायर, दिस इज म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका कंप्लीटली वन फोर्थ ऑफ पावर हो जाएगा। सो दिस इज द वेलोसिटी रेदर स्पीड एट विच इट इज लाइकली टू स्किड, और स्किड किधर करेगा, टूवर्ड्स द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के समान कर जाएगा। तो आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन को देखा कि दिस इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया गया एस सी वर्मा के बुक से अगेन। कहता है एक रफ सिलेंड्रिकल सरफेस है ना, बेस इसका क्या है, आप हॉरिजॉन्टल को प्लेन मान सकते हैं, तो बेस पर किसी तरह की भी फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए मैंने बेस से ऊपर ही से रखा। नाउ दिस इज थ्रोन विथ ए वी वेलोसिटी रैदर वी नॉट वेलोसिटी अलोंग इट्स सर्कुलर कर्व, सर्कुलर सिलेंडर पर आप कह चुके मूव करते जाता है। अब चूंकि ये रफ है, हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू अगर ले लीजिए, दिस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, कहता है कि व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शंस ऑन मास एट एनी वेलोसिटी वी, वो वी वेलोसिटी क्या होगा, सर्टेनली डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करने के बाद भी उस पर नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा, व्हाट इज द टेंजेंशियल फोर्स, व्हाट इज द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास एंड ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट इज कवर्ड वन रोटेशन। वन रोटेशन का मतलब कितना दूरी कवर कर चुका होगा, 2πr डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। चलिए मैं एक बार आता हूँ, जैसे ही ये घूमना स्टार्ट करेगा और लेट अस सपोज एट दैट टाइम वी वेलोसिटी, तो आउटवर्ड फोर्स कितना लगेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, ये फोर्स लगेगा। इसलिए नॉर्मल रिएक्शन कितना आंसर आ जाएगा, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स उस साइड लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इस साइड लगेगा, इक्वल अमाउंट लगेगा, दिस इज द एम वी स्क्वायर बाई आर, पहला आंसर तो आपके पास आ गया। दिस इज द अमाउंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन ए बॉल एक्टिंग ऑन ए मास एंड टूवर्ड्स द सेंटर, आप देख सकते हैं टूवर्ड द सेंटर ऑफ ए सर्किल लग रहा है। दूसरा पूछता है फाइंड द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के लिए आपके पास क्या जाना पड़ेगा, एफ का वैल्यू क्या होता है, इजीली हम लोग ले सकते हैं, कौन सी होता है, उस दिशा में लग रहा है, ये फोर्स कितना लगता है, म्यू इन टू एन, दिस इज द एफ टेंजेंशियल। कैसे एफ टेंजेंशियल लगेगा, क्योंकि वही फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में उसके सर्किल के मोशंस में, अगर ये सर्किल मोशंस है पीछे तरफ से रिटार्डिंग फोर्स लगेगा म्यू टू, म्यू को तो छोड़ दीजिए, एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। अब चूंकि ये रिटार्डिंग मोशन है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, इसलिए एफ टेंजेंशियल क्या हो जाएगा हमारे पास, निगेटिव साइन आ जाएगा, म्यू एम वी स्क्वायर बाई आर, सो दिस इज द बी पार्ट आ गया। तीसरा पार्ट कहता है वेलोसिटी व्हेन इट हैज कवर्ड वन रोटेशन, अब आइए आपका इसकी वेलोसिटी का कौन गारंटर है, कौन इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकता है, टेंजेंशियल, क्योंकि जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट करेगा फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सो व्हाट इज द एफ टेंजेंशियल, ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, व्हेन इट हैज ए स्पीड, माइनस म्यू एम वी स्क्वायर बाई आर, एंड व्हाट इज टेंजेंशियल, म्यू टाइम एंड मास टाइम एक्सीलरेशन, एम ई टू एनर्जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास वही लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स ही आपका टेंजेंशियल रिटार्डेशन होगा, दिस इज द म्यू, और आपके पास ऑलरेडी आ चुका है एन की वैल्यू, एम वी स्क्वायर बाई एन, और इसको हम लोग लिख सकते हैं मास टाइम एक्सिल, वो तो वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ मास टाइम ए टेंजेंशियल कर दीजिए, एंड दिस इज मस्ट बी इक्वल टू म्यू एम वी स्क्वायर बाई आर आ गया। अब क्या करें, दे लीजिए पॉइंट, पहले तो मास को कैंसिल करें, मास इज कट गया आपका, नाउ ए टी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज डी वी बाई डी टी माइनस म्यू वी स्क्वायर बाई आर, चलिए ठीक है, आपके पास भी की जगह पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि आपको एक डिस्टेंस कवर करने पर लिखना है, तो हम इसे लिख सकते हैं डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी, ओके, तो माइनस म्यू वी स्क्वायर बाई आर। अब आप इसको फर्दर लिख सकते हैं डी एस बाई डी इक्वल टू वी एंड दिस इज डी वी बाई डी एस एंड दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू वी स्क्वायर बाई आर। अब अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो कैसे कर सकते हैं, आप भी डी वी को एक तरफ रहने दीजिए और उस डी एस को उस साइड कर दीजिए, म्यू वी स्क्वायर, आप देख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर, और यहाँ पर आपका डी एस उस साइड चला जाएगा, दिस इज डी एस। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, एक वेलोसिटी से ये वेलोसिटी कैंसिल, इसलिए अब डी वी इक्वल टू क्या हो गया,
हाँ ये आपको एक चर नेगेटिव साइन को आपको मूस नहीं करना है, म्यू सर्टेनली यहाँ पर आपका भी को इस साइड कर लीजिए, म्यू हो गया, आर को इस साइड कर लीजिए एंड डी एस हो गया। नाउ इट नीड्स टू बी इंटीग्रेशन, इस साइड भी कीजिए इस साइड, क्योंकि वेलोसिटी चेंज करता है जैसे जैसे वो डिस्टेंस कवर करते जा रहा है, तो दोनों तरफ चेंज में इंटीग्रेशन साइन। नाउ जब वो एस इक्वल टू जीरो है उस समय उसकी स्पीड क्या है, वी नॉट है। अब जबकि वो 2πr डिस्टेंस कवर कर लिया, लेट अस सपोज इट इज v, अब उसको हम लोग डी वी बाई वी क्या होता है, दिस इज विदाउट एनी डॉट log e v हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी लिमिट कितना हो जाएगा, v नॉट टू वी हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा वहाँ पर माइनस म्यू आर, और अगर हम उसकी बात करें ds कितना होगा तो 2πr हो जाएगा। यहाँ r से r की वैल्यू कैंसिल हो गई, और यहाँ पर अगर हम log की वैल्यू पुट करेंगे तो log e v बाई वी नॉट इक्वल टू 2πr म्यू हो जाएगा, यहाँ पर आर कैंसिल हो चुका है। एंटी लॉक की वैल्यूज को हम लोग लेते हुए तो दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2πr म्यू हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू वी नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस 2πr म्यू, एंड दिस इज योर आंसर। सो दिस इज द वेलोसिटी, कब, जबकि आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन, आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन। यहाँ टाइम से फंक्शन पर नहीं पूछ रहा है, टाइम पूछता है तो हम डायरेक्टली डी वी बाई डी टी से करते, यहाँ हमें एस का या डिस्प्लेसमेंट नहीं लाते हैं या डिस्टेंस हम नहीं कवर करते। इस तरह से मैंने आज आपके साथ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एलॉन्ग विथ सम कंसेप्चुअल, जहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशंस और सेंटीपीटल एक्सेलेरेशंस के एक्सीलरेशंस एंड फोर्स लगातार इन्वॉल्व रहे, उन सभी क्वेश्चन को पढ़ने का। अगले वीडियोस में फिर आपके साथ लेके आता हूँ कुछ वैसे क्वेश्चंस को जहाँ पर आपकी कॉन्सेप्ट को और ब्रॉड किया जाएगा। मेरा कहने का मतलब है अभी तक मैंने क्या क्या नहीं कवर किया है, आप ध्यान से देखिए, सिंपल पेंडुलम की क्वेश्चन जो हमने नहीं दिया, ऑसिलेशंस की पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम्स को मैंने नहीं दिया, वर्टिकल सर्कुलर मोशंस को नहीं दिया, वर्टिकल कर्व का मैंने अभी तक नहीं कवर किया। इन सभी कवरेज को मैं अपने अगले वीडियो तक के लिए पोस्टपोन करके रखता हूँ। तब तक के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझिए, पॉज करके नोट्स बनाइए और आगे का वीडियोज़ के लिए नेक्स्ट क्लास में हमसे मिलिए। तब तक के लिए